अच्छा जी अक्टूबर नंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी का क्वेश्चन नंबर एट करता हूँ ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं इस क्वेश्चन को और कई दफ़ा पूछा गया इसलिए मैंने सोचा कि इसको सॉल्व करा देते हैं इसमें क्या है बच्चों के जी एम एस ऑफ पॉइंट टू के जी इज सस्पेंडेड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ ऑफ अ लाइट स्ट्रेंग

और एक्सटेंशन की वजह से अब स्प्रिंग में जो टेंशन होगी वो क्या होगी वो हम पहले निकालेंगे और करना क्या है, है जी कि जब थ्रेड को आप काट देते हैं इसको तो उसके बाद अपवर्ड एक्सलेशन फॉरन से क्या है ठीक है पॉइंट टू के जी पर रह जाएगा ना अब इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि जी जब दोनों मैसेज इसके साथ अटैच हैं तो सिस्टम चूंकि आपके पास इक्विलिब्रियम में है इस पॉइंट को हम देख लेते हैं इस पर आप देख डिफरेंस है इससे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को आप नाइन पॉइंट एट के बजाय या फिर टेन ले लें अदरवाइज कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा अब देख लें इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है मैथ इज पॉइंट टू के जी सो वेट विल इक्वल टू पॉइंट होगा इसका इसका जो वेट है वो वन न्यूटन होगा इसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है ना बच्चों वो थ्री न्यूटन लग रही है और इक्विलिब्रियम में होने की वजह से जो स्प्रिंग अपवर्ड फोर्स लगा रहा है वो भी क्या लगा रहा है थ्री न्यूटन इसलिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ठीक है अब क्या करते हैं जब नीचे वाले मैस को आप हटा देते हैं यहां से ये उड़ गया तो क्या होगा अब सिर्फ एक मैस रहेगा आपका और अब नेट फोर्स हम देखते हैं कि क्या बनती है जब एक मैस रह गया इस पॉइंट पे डाउनवर्ड फोर्स जो है अब सिर्फ टू न्यूटन रहेगी जो कि इस मैस की वजह से अब क्या होगा कि जी इस ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स होगी अपवर्ड फोर्स आपके पास है थ्री न्यूटन जो स्प्रिंग की वजह से लग रही है स्टार्ट में स्प्रिंग में एक्सटेंशन वही है जो पहले थी और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो

ये टेन ओवर टू दैट इज फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वेयर स्टार्ट में अब उसने स्टार्ट का लफ्ज क्यों यूज किया था इमिजिएटली का लफ्ज क्यों यूज किया था वजह ये है कि उसके बाद स्प्रिंग में एक्सटेंशन कम होती जाएगी जब स्प्रिंग की एक्सटेंशन कम होती जाएगी तो अपवर्ड फोर्स जो है वो आप थ्री न्यूटन ही रहेगी इसका मतलब ये हुआ कि एक्सलेशन जो ये फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आया ये कॉन्स्टेंट नहीं रहे होगा। ये जैसे स्प्रिंग की एक्सटेंशन कम होती जाएगी अपवर्ड फोर्स कम होती जाएगी ठीक है डाउनवर्ड फोर्स टू न्यूटन ही है जब अपवर्ड फोर्स टू न्यूटन के बराबर हो जाएगी तो फिर आपके पास ये सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ठीक है फिर इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी तो इसलिए इस सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए ये इस सिचुएशन को करने के लिए इस तरीके से हमने इसको किया तो ए इसका आंसर है